हेलो डियर ऑल, दिस इज चंद्रभान प्रसाद स्पीकिंग एंड टुडे वी आर इन गाजियाबाद विद टर्बाइन मैन। दिस इज गौरव, हिज फादर इज नोन एज इंडियाज टर्बाइन मैन। ही इज अ दलित फ्रॉम नियर बाय गाजियाबाद एंड ही बिल्ड्स some of the biggest machines that we all know. He makes these turbines, he repairs turbines for electricity makers, for sugar mills. इसका वजन कितना होगा? ये हम आज गाजियाबाद में हैं टर्बाइन मैन की फैक्ट्री में। ये टर्बाइन मैन कक्षा 4 पास हैं, लेकिन यह बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, भेल के लिए, एनटीपीसी के लिए ये टर्बाइन बनाते हैं और टर्बाइन को रिपेयर करते हैं। कई बार इनको भेल विदेशों में भी, भेल कंपनी इनको ले गई है। ये इतने मास्टर हैं टर्बाइन के को बनाने में। इसका वजन कितना होगा गौरव जी? इसका 2000 केजी अप्रोक्स। वो दिस पार्ट ऑफ टर्बाइन इज वर्थ 2000 केजी। ये 2000 केजी, ये बता रहे हैं शुगर मिल में ये इस्तेमाल होती है। इसका वजन 20 कुंतल है और इसको ये हैंडल करते हैं। इसके आगे ये कौन सी मशीन है? व्हाट इज दिस मशीन? ये भी शुगर मिल सेंट्रीफ्यूगल, कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इसका वजन कितना होगा? इसका भी आपको 1800 18 कुंतल का। ये कौन सी मशीन है? ये भी वही है, सेम सेंट्रीफ्यूगल का पार्ट है। इसका वजन कितना होगा? इसका हुआ 2200। और ये चीज़ क्या है? इतना बड़ा तसला टाइप का जो लग रहा है देखने में, व्हाट इज दिस? शुगर मिल का पार्ट है। ओके हाँ, और इसका होता है अप्रोक्स 1 टन के करीब होता है इसका वेट। और दिस वेव्स 1 टन, दैट मीन्स इसका वजन 20 कुंतल का है। और ये यहाँ पर रिपेयर होता है, ये इनके इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इतने मोटे मोटे लोहे ये काटते हैं। गौरव साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी हम जहाँ जाते हैं और यंग दलित लोगों से कहते हैं बिजनेस करिए, तो लोग बोलते हैं पैसे नहीं हैं। मिस्टर गौरव, व्हेन एवर आई टेल दलित यूथ टू स्टार्ट बिजनेसेस, दे से दैट वी डोंट हैव मनी। तो आपके हिसाब से एक बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा भी चाहिए और मार्केट भी चाहिए, यानी फंड भी चाहिए और ग्राहक भी चाहिए। इनमें से दोनों से सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ है? अगर मिस्टर गौरव, टू स्टार्ट ए बिजनेस वन नीड्स फंड एंड वन नीड्स बायर्स, मार्केट, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, बायर और मार्केट, मार्केट और फंड? इसमें मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे को मार्केट की ज़रूरत होती है, कि हमें मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेज सकते हैं। देन जब हमें पता पड़ जाता है कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो बाद में हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे को मार्केट की पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। गौरव सेज दैट मोर देन मनी यू नीड मार्केट फर्स्ट। गौरव साहब के अनुसार पैसे से ज़रूरी ग्राहक का होना है। अगर ग्राहक आपके पास है, मार्केट है, तो पैसा बाद में आ जाएगा। आउटसाइड कंट्री फॉर repairs of turbines and we will talk to the turbine man himself. तो उन्होंने कहा 200 रुपये मिलेंगे आपको, यह बात 1996 की है। तो इन्होंने मशीन को ठीक करने का वादा तो किया, लेकिन ट्रायल में मशीन फेल हो गई। पर चूंकि इनके पास इनकी बहुत बड़ी भारी काया है, शरीर है, इज ए बिग मैन फिजिकली, उसके पूछे थी, तो उसने कमेंट किया कि आपकी, लेकिन आप मशीन ठीक नहीं कर पाए। तो इन्होंने कहा हम
इनका मौका और दीजिए। जब इन्होंने दूसरे दिन प्रवेश किया फैक्ट्री में और मशीन बना दी, डाई बना दी, तो उन्होंने कहा कि आप 200 से अधिक पुरस्कार दीजिए। उन्होंने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, आपने जो कमेंट किया था कि इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं और ये डाई नहीं बना पाए, उस शब्द को वापस लीजिए, उस वाक्य को वापस लीजिए। प्लीज टेक बैक दोज वर्ड्स दैट यू हैव सच अ बिग माउथ टू से दैट यू कुड नॉट प्रिपेयर अ डाई दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। सो ही केप्ट हिज प्राइड एंड ही हैड प्रिविलेज ऑफ रिपेयरिंग टर्बाइन ऑफ खड़ा नामगढ़ डैम। खड़ा नामगढ़ डैम के टर्बाइन को इन्होंने, आप इतना बड़ा एक बिजनेस चलाते हैं और आप शायद 3 लाख रुपए हर महीने तनख्वाह बांटते हैं। अच्छा, the turbine man Mr. Ratanlal says that he distributes salaries worth 3 lakh rupees every month. turbine man साहब, आप ये बताएं कि शायद आप बतला रहे थे हमसे कि कभी बचपन में 3 दिन तक खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं, क्या है? सच है? सच है, मतलब बचपन में भूखमरी भी आपको झेलनी पड़ी क्योंकि आप 10 भाई बहन थे। अच्छा, एक बात हमें पता चली है कि आप 21 साल की उम्र के थे तो आप एक फैक्ट्री में काम करने गए जिसमें बहुत सारी लेडीज काम करती थी, तो फैक्ट्री के मालिक ने आपको हैंडसम होने की वजह से कहा हम काम नहीं देंगे। नहीं देंगे। मतलब हैंडसम होने की वजह से उसने काम नहीं दिया आपको? वो असल में बुढ़ा था। अच्छा, किस बात का डर था कि हैंडसम आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? लाइए फोटो। हाँ, तो ये जो है टर्बाइन मैन कभी इस तरह के हुआ करते थे और इसीलिए वो नौकरी से निकाल, नौकरी उनको नहीं दी गई कि इतना हैंडसम आदमी है और इतना यहाँ लेडीज काम करती हैं। हाँ, तो सर एक बात और बताइए आप कि आप कभी जर्मनी की मंगाई गई मशीनों को जर्मन इंजीनियर्स के सामने ठीक कर दिया करते थे, तो जर्मन इंजीनियर्स खुश होकर के क्या कहते थे आपको? खुश होकर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। अच्छा, वो कहते थे कि इसे लड़के को जर्मनी ले जाना। अच्छा, जर्मन इंजीनियर्स वुड से दैट ब्रिंग दिस बॉय टू जर्मनी। हाँ, यानी इस नौजवान को जर्मनी लाओ। हाँ, जर्मनी के लिए बोलते थे। बी एच एल के जो इंजीनियर थे ना, वो कंडर में अनपढ़ है, पढ़ा नहीं। तो आप बता रहे थे जर्मन इंजीनियर्स ने आपको ऐसे किया था एक बार, इस तरह से थम्सअप। हाँ, थम्सअप किया था लास्ट में, जब मूवी टर्बाइन होगी ना कम्प्लीट तब। तो क्या यह बात भी सच है कि आप फैक्ट्री है, टन टन आप लोहा काटते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं, आपके पिताजी केवल क्लास 4th पास हैं, इन्होंने जर्मन इंजीनियर्स के साथ काम किया है, आपके पास एक सुंदर सा घर है, आप ये बताइए कि आप अपने पापा के लिए BMW कार कब खरीदेंगे? इधर देख के बताइए। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे उसके लिए, पूरी तरीके से हम करेंगे कि जल्द से जल्द BMW हमारे घर में है। यस सर, गौरव सेज दैट ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू ब्रिंग अ BMW एट द अर्लीस्ट फॉर हिज फादर। गौरव यह कह रहे हैं कि अपने पिताजी के लिए जल्दी से जल्दी एक BMW लाएंगे और इनके नाम पर एक आम का पेड़ भी लगाएंगे। आम का पेड़ जरूर लगाएंगे फिलहाल। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।